हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपास लाइव ब्लॉग। जी हाँ, मेरा नाम दीपा है और आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा की लाइफ में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये जो ब्लॉग है अभी रात के 11 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली तो रात के बज रहे हैं 11, आपको मैं घड़ी दिखा देती हूँ, ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं। और रात के 11 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट करने का कारण ये है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने फेस पे अभी कुछ लगाया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लगाया है। एक्चुअली मैंने ना अभी फेस पे है ना मैंने बोरो प्लस लगाया है गर्म करके, वो भी क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मेरे फेस पे ना जैसे एक झुलस जाता है ना, जैसे कि या तो फिर मुझे लग रहा है कि या तो धूप की वजह से ऐसा हो गया या क्या ही पता नहीं किस वजह से हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे झुलस सा गया चेहरा। तो मैंने आज मतलब मुझे आज बहुत दिन 2-4 दिन हो गया है ऐसा एक्चुअली हो रहा है, और मुझे आज कुछ ज्यादा ही लग रहा था और बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही थी यहाँ ना, बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही थी। तो मैंने सोचा आज इसमें कुछ करूं, तो मेरे पास आज ऐसा कुछ था भी नहीं मैं फेस पे जो लगाऊं, तो बोरो प्लस रखी थी घर में, तो मैंने सोचा चलो आज बोरो प्लस लगा के देखती हूँ और कल जब मैं मुंह वॉश करूंगी तो कल देखती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या करा कि बोरो प्लस थोड़ी सी मैंने चम्मच में निकाली और उसे जो है मैंने गैस के ऊपर रखा चम्मच को, और मैंने उसको गर्म किया। जब वो मेल्ट हो गई ना उसके बाद मैंने उसे पूरे फेस पे लगाया और थोड़ी सी बोरो प्लस मैंने यहाँ अपने चिक पे भी लगाया है। तो जब मैं कल मुंह वॉश करूंगी, अपना फेस वॉश करूंगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि फेस थोड़ा सा मेरा मतलब रिलैक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, जो मैं चाह रही थी, क्योंकि कई दिन से मुझे लग रहा था कि चेहरा मेरा थोड़ा सा झुलस सा गया है। तो कल मैं जब वॉश करूंगी देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है बोरो प्लस का। और एक्चुअली मैं आपको और बता देती हूँ कि मैंने गालों पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरे ना पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रखी है, तो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट से आ रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक ज्यादा ही दिखाई दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बोरो प्लस मैंने अपने चिक पे भी लगाया हुआ है। तो और थोड़ा सा मैं आप लोगों से प्लीज ये भी कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने गालों में क्या अप्लाई कर सकती हूँ पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या लगाऊं। बहुत दवाई लगा के देख लिया है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है मुझे, और हार थक के ना मैंने अब बोरो प्लस लगाया है। और मैंने तो अभी सोच लिया है कि क्या ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तो बोरो प्लस ही लगाने वाली हूँ अपने चिक पे। तो अगर आपके पास कुछ रेमेडी है पिगमेंटेशन के लिए जो वर्क करता है, सच में वर्क करता है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। और ये ब्लॉग मैंने रात को 11 बजे स्टार्ट किया है, कल मैं अपना मुंह धोऊंगी और सुबह आपको दिखाऊंगी कि कैसा मेरा फेस का जो था वो रिजल्ट, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं फिलहाल सो जाती हूँ क्योंकि रात के बज चुके हैं 11। बाय, कल मिलूंगी फिर सुबह के टाइम। बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, सो ये ब्लॉग मैंने रात को स्टार्ट किया था और अब हो गई है सुबह, आप देख लीजिए। तब सुबह के 9 बज रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं मैं नहा के आ चुकी हूँ और बस अब मैं खाना बनाऊंगी। देखते हुए मुझे क्या बनाना है मुझे पता नहीं है, किसने क्या क्या रखा है कुछ। तो मैं आपको अपना फेस दिखा देती हूँ क्योंकि रात को जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने ना अपने चेहरे पे बोरो प्लस को गर्म करके मैंने फेस पे लगाया था, और अब सुबह नहा के आई हूँ, पूरा फेस वेस धो लिया, अच्छे से नहा लिया है। तो अब आप देख सकते हैं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्टनेस आ रही है फेस में। नहीं तो कल तक बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, इचिंग सी हो रही थी और बहुत ज़्यादा रफ रफ सा लग रहा था फेस, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। और ये मेरे ना पूरे दोनों चिक पे आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी मैंने लगाया था बोरो प्लस। तो मैं अब सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ इसको रोज़ रात को बोरो प्लस लगाने का, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और अगर आपके पास कोई रेमेडी हो ना पिगमेंटेशन की तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब जो है डेली ब्लॉग आएगा मेरा, डेली का डेली मैंने अभी ठान लिया है कि डेली का डेली ब्लॉग डालूंगी। तो बस इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए और चलिए फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में। बाय।